वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, हेल्थ रैम्बो चैनल देखने के लिए, हमारे वीडियो तथा हमारे वीडियो लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहिए दोस्तों। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम आपने इस तरीके से बच्चे देखे होंगे दोस्तों, जो कुछ आपको लगता है कि बच्चे एबनॉर्मल तरीके से रखते हैं, या इस तरीके के बच्चे भी दोस्तों आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, ये बच्चे जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइजोमी होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 पे तीन क्रोमोसोम होते हैं, उसकी वजह से होता है। ये होता क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम्स, दोस्तों क्रोमोसोम्स हर व्यक्ति के अंदर 23 पेयर्स, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 23 उसको माँ से मिलते हैं और 23 जो होते हैं उसको अपने पिता से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये टोटल मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं और ये दोस्तों जोड़ों में होते हैं। ये इस तरीके से होते हैं दोस्तों, अगर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर कि सभी पेयर्स में हैं। दोस्तों, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23वां नंबर क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसपे बेसिस पे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। मतलब अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की होती है, और एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़का होता है दोस्तों। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सारे क्रोमोसोम्स दोस्तों वो पेयर्स में हैं, बट ट्राइजोमी के केसेस में, डाउन सिंड्रोम के केसेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उस पर दो की जगह दोस्तों तीन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो जनरली देखा गया है उन औरतों में ज्यादा पाया जाता है, मतलब उन औरतों से होने वाले बच्चों में ज्यादा पाया जाता है जिनकी उम्र 30 या 35 साल की होती है और वो कंसीव करते हैं। मतलब जो औरतें 30 या 35 साल के बाद में गर्भ धारण करती हैं, उनसे होने वाले बच्चों में इसकी संभावना ज्यादा पाई जाती है। दूसरा है दोस्तों, जो बच्चे आईवीएफ के जरिए होते हैं, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए होते हैं दोस्तों, उनमें भी ये होने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। उसका कारण ये है कि जो आईवीएफ के लिए जनरली एक व्यक्ति जाता है जब उसकी उम्र 30 से 35 साल हो जाती है, उसके बाद ही जाता है, क्योंकि पहले वो जो नेचुरल तरीके का अपना कर देखते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी वजह से दोस्तों, जो आईवीएफ के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। या अगर किसी व्यक्ति में लो स्पर्म काउंट होता है दोस्तों और उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उसकी वजह से भी होते हैं। तो दोस्तों, तीन कारण होते हैं, पहला ट्राइसोमी 21, दूसरा जो होता है वो आईवीएफ के केसेस में, और तीसरा जो होता है दोस्तों अगर किसी का लो स्पर्म काउंट है उस कंडीशन में होते हैं। इसमें जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनमें लक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका चेहरा चपटा रहता है, मतलब उनका छोटा सिर होता है, छोटी गर्दन होती है, उनकी नाक भी जो होती है फैली हुई होती है दोस्तों, और जीभ उनकी हल्की सी टेढ़ी होती है तथा जीभ बाहर को निकलती रहती है दोस्तों। उसके साथ साथ में उनकी आंखें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों उनकी उंगलियां भी छोटी होती हैं तथा हाथ पैर भी उनका शरीर जो अबनॉर्मल रहता है। शरीर में बहुत लचीलापन होता है क्योंकि बोन जो होती है, हड्डियों का विकास सही से दोस्तों नहीं होता है। उसके साथ साथ में इनका कद जो रहता है छोटा रहता है, और इनके कान वगैरह छोटे रहते हैं। अगर समरी में बताऊं तो पूरा शरीर ही इनका अबनॉर्मल तरीके से डेवलप होता है दोस्तों। दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं जो एवरेज डिलीवरी के कंपेयर में 3 से 4% जो बच्चे होते हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है, और जो डाउन सिंड्रोम है उसमें भी जो होता है लगभग ये 3 से 4% बच्चे डाउन सिंड्रोम से हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। दुनिया भर में लगभग 80 लाख बच्चे हर साल जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से पैदा होते हैं दोस्तों। जैसा मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि कारण क्या होते हैं, तो फिर मैं एक बार और बता दूं तो कि इसमें ट्राइजोमी 21 बहुत बड़ा एक कारण है। उसके साथ साथ में अगर क्रोमोसोम्स में कोई ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब क्रोमोसोम्स की एक दोस्तों एक अपनी प्रॉपर शेप, अपनी एक जगह होती है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मूव कर जाते हैं तो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से भी हो सकता है। या माँ की एज जो है 35 साल से ऊपर है, या
जो होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल फादर्स में कम है, या फिर जो 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 अगर ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम से और उनका अगर बच्चा होता है, या जो लोग कैरियर होते हैं डाउन सिंड्रोम के, उनमें ये संभावना हो सकती है, या एक बच्चा अगर आपका पहले से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो भी हो सकता है। दोस्तों डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं जनरली वो जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। सो बच्चों में कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? उनका जो होता है दिल सही से डेवलप नहीं होता है, जिस वजह से उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्टमक प्रॉब्लम भी रहती हैं, उसके साथ साथ तो उनके अंदर रक्षात्मक रक्षा करने की जो शक्ति होती बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिस वजह से उनको बार बार इन्फेक्शंस लगे रहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चे अब बहुत ज़्यादा मोटे पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी ये लोग बच्चे मोटे जाते हैं। साथ साथ में इन बच्चों में जो मैक्सिमम पाया जाता है डाउन सिंड्रोम मेल बेबी में ज़्यादा होता है बट फीमेल्स में भी होता है, और दोनों तरीके के बच्चे जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम ये देखा गया है। उसके साथ साथ में कैंसर की संभावना, और जो इनके अंदर जो होता है मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है दोस्तों, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी समस्याएं लगी रहती हैं, जैसे इनके अंदर देखने की और सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, उसके साथ साथ में इनको जो दिमागी रूप से जो परेशानियां जैसे दौरे आना वो भी बहुत ज़्यादा इसमें बना रहता है। सो प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए जो होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोस्तों आजकल सभी लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड के जरिए न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट होता है, जिसमें माथे और नाक का गैप देखा जाता है, इसे पता चल सकता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। उसके साथ साथ में जो ब्लड टेस्ट मार्कर होते हैं, जो डबल मार्कर, ट्रिपल, क्वाड्रिपल और NIPT टेस्ट होते हैं, उनके जरिए भी पता किया जा सकता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर दोस्तों जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और क्वाड्रिपल जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। उसके अलावा CVS टेस्टिंग के जरिए या अमीनोसेंटेसिस टेस्टिंग के जरिए भी पता किया जा सकता है दोस्तों। अगर बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद कैसे पता करें? तो उसके लिए क्रोमोसोम करवा सकते हैं, क्रोमोसोम एनालिसिस टेस्टिंग करवा सकते हैं, मतलब ट्राइसोमी 21 देख के पता किया जा सकता है दोस्तों। बाकी पैदा होने के बाद में बच्चे में जो एबनॉर्मलिटी होती हैं उसको जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उससे भी पता चल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो बचाव के लिए अल्ट्रासाउंड इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाएं, और अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है बच्चे में तो आप जो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं, लीगली जो भी होगा, आप अगर चाहें तो अबॉर्शन के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर डिस्कशन विद योर डॉक्टर। उसके साथ साथ में अगर आप 35 साल से पहले अगर आप चाहते हैं गर्भ धारण कर लें तो ये संभावना जो होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वो दोस्तों कम हो जाती है दोस्तों। उसके साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम अगर एक बार हो गया बेबी तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, मतलब डाउन सिंड्रोम को बेबी को नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अगर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो दोस्तों जनरली पाया गया है कि ये बच्चे 25 साल तक ही जीते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी आता है दोस्तों कि क्या IVF से डाउन सिंड्रोम के जोखिम को रोक सकता है? तो दोस्तों इसका कारण जो होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि डाउन सिंड्रोम जो होता है मैक्सिमम 35 ईयर्स के बाद में जो मदर कंसीव करती है उनके बेबीज में होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो क्योंकि जो IVF होता है 35 साल के बाद ही लोग जाते हैं, तो उसमें संभावना जो होती है इसकी बढ़ जाती है, डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। सो IVF सेफ नहीं होता है, मतलब आप बच्चा तो हो सकते हैं बट उसमें क्या होता है कि दोस्तों कि आई जो होता है जो बेबी होगा उसमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना जो होती है दोस्तों बढ़ जाती है। जैसा इसका इलाज मैंने अभी पहले बताया आपको कि इसको पलट नहीं किया जा सकता, मतलब अगर बेबी आपका एक बार डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो गया है तो उसको नॉर्मल नहीं किया जा सकता, बट उसके संबंधित जो मैंने बीमारियां बताई हैं उन बीमारियों का इलाज करके उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा दिया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके साथ 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 बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, सो दैट मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरीके की बहुत सारे और वीडियो लेकर आने वाला हूँ। विद दिस थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैंबो।